वेलकम बैक गाइस ऑन आईटी कम्युनिटी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है डीबीएमएस का, वो है एसिड प्रॉपर्टी। अगर आपको एसिड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू रूम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप डीबीएमएस पे अच्छे इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको एसिड प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, या आपसे पूछा जा सकता है कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है। इवन अगर आप थ्योरी एग्जाम भी दे रहे हैं डीबीएमएस का, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको एसिड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। उससे पहले मैंने कीज का कॉन्सेप्ट कवर कर दिया है। कीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें आपको जो भी बेसिक की है, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की और जो भी बेसिक की है, उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है कि बेसिक कीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, और मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझाया, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप अपने SQL के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो ये रहे सारे वीडियो जो कि HackerRank प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। आप इन वीडियो की मदद से अपने SQL के लेवल को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इस प्लेस को और एक बार डीप डाइव करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे SQL के कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि जनरली बिगनर्स के लिए काफ़ी डाउटफुल होते हैं, जैसे कि ज्वाइन हो गया, सब क्वेरी हो गया। तो अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है रिलेटेड विथ DBMS या SQL, तो आप इस प्लेस को फॉलो कर सकते हैं। आपको सारे वीडियो एक सिक्वेंसली फॉर्म में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है एसिड प्रॉपर्टी का। तो अभी मैं आ जाता हूं, तो यहां पे मैंने एक शॉर्ट नोट बना लिया है एसिड प्रॉपर्टी का, तो मैं अभी प्रेजेंट पे क्लिक करता हूं और देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है एसिड प्रॉपर्टी का। चलिए समझते हैं। मैंने लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द डेटाबेस रिमेंस द कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जो मेन शब्द है एसिड प्रॉपर्टी का वो है कंसिस्टेंसी। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, बट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे होगी उसके लिए कुछ 3 या 4 शर्तें हैं। अगर वो पूरा या फुलफिल होता है तो डेटाबेस अपने आप कंसिस्टेंट हो जाएगा, आपको फिर कंसिस्टेंट बनाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर वो स्टेप्स कहीं भी फेल होते हैं, जैसे कि एसिड प्रॉपर्टी में, जैसे तो जो भी एसिड प्रॉपर्टी होती है जैसे कि एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, अगर ये सारी चीजें हुई तो डेटाबेस अपने आप कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो डेटाबेस कंसिस्टेंट नहीं होगा। और कंसिस्टेंट होने का ये मतलब है कि जो पहले कंडीशन थी वो ट्रांजेक्शन होने के बाद वही कंडीशन हो। अब ट्रांजेक्शन कब कंप्लीट माना जाएगा तो डेटाबेस कब कंसिस्टेंट होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिक ये जो मीनिंग है ट्रांजेक्शन का, क्या मीनिंग होता है, कंसिस्टेंसी का क्या मीनिंग होता है, इसको हम लोग अभी फर्दर देखेंगे। बट अभी के लिए ये कि जो अपना डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए आफ्टर और बिफोर ट्रांजेक्शन। उसका क्या लिखा है, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टी। तो कौन कौन से एसिड प्रॉपर्टी का, पहला ए है, ए का मतलब होता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट आइदर द ट्रांजेक्शन ऑकर कंप्लीटली और इट डज नॉट ऑकर एट ऑल। तो मान लीजिए आपको कि दिल्ली से मुंबई तक जाना है और आपने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया, तो आपका रिजर्वेशन आपने किया तत्काल विंडो में, और आपका जो रिजर्वेशन हुआ वो कहाँ तक हुआ, दिल्ली से लेके मान लीजिए कि भोपाल तक हुआ या फिर कहीं और बीच के स्टेशन तक हुआ, मुंबई तक नहीं हुआ, बट आपको मुंबई तक जाना था। तो एटोमिसिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपका रिजर्वेशन होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे आपने अपने फ़ोन पे रिचार्ज किया, लेट से 10 रुपए का रिचार्ज किया, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 रुपए आ गए, 5 रुपए फंस गए, या तो 10 रुपए पूरे आ जाएंगे या तो एक भी नहीं आएगा। उसी तरह जैसे आप किसी को फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तो या तो आपका पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा उसके पास, या तो एकदम नहीं होगा, 0, या तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। वहां पे जो ट्रांजेक्शन वर्ड आता है वो डीबीएमएस का ही कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, उसको हम लोग अभी आगे देखते हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी को पैसे पे कर रहे हैं तो आप जितने पे कर रहे हैं वो पूरे चले जाएंगे या तो कुछ भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 100 रुपए देने गए, 55 चला गया, उसके बाद से डेटाबेस में कोई दिक्कत आ गई या कुछ एरर आ गया तो 55 कट गए, 45 रह गए, नहीं, या तो 100 जाएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं जाएगा। और उसका क्या लिखा है, इट इंश्योर दैट नो ट्रांजेक्शन ऑकर पार्सली। पार्सली मतलब क्या कि आपको 100 देने थे, 50 गए, 50 रह गए, ऐसा नहीं, या तो पूरा होगा नहीं तो नहीं होगा। This is why that is also referred as the all or nothing rule. जैसा कि मैंने बताया, या तो पूरा नहीं तो कुछ नहीं। It is the responsibility of transaction control manager to ensure atomicity of the transaction. जो अपने डेटाबेस में ट्रांजेक्शन कंट्रोल मैनेजर होता है उसका ये जिम्मेदारी होता है, उसको इंश्योर करना होता है कि जो डेटाबेस की जो एटोमोसिटी है वो बनी रहे। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पे अभी हम लोग आते हैं थोड़े से बाद में, उससे पहले हम लोग आइसोलेशन देखते हैं। आइसोलेशन क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन ऑकर साइमल्टेनियसली विदाउट कॉजिंग एनी इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग सेम काम कर रहे हैं, बट बगल वाले को नहीं पता चलेगा कि वो भी वही काम कर रहा है जो कि आप कर रहे हैं।
और इसको थोड़ा सा इलोबरेट करके समझते हैं। जैसे कि तत्काल विंडो खुलता है, लेट्स से 11 से 12 के बीच में, हो सकता है कि 11 से 12 के बीच में आपके साथ में चार लोग बैठे हुए हैं और चारों लोग जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं IRCTC के डेटाबेस में, बट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो चारों भी परफॉर्म कर रहे हैं। आप जो करेंगे आप अपने लिए लॉजिकली आइसोलेट होंगे, आप कुछ करेंगे आपके लिए डेटा फिर आएगा। ऐसा नहीं कि आप अगर मुंबई से बुक कर रहे हैं टिकट नागपुर की और अगला बुक कर रहा है दिल्ली से लेके जयपुर की, तो आपका टिकट मुंबई से जयपुर का हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप खुद उसके लिए एक लॉजिकल आइसोलेट होंगे, फिजिकल आइसोलेशन नहीं। फिजिकल आइसोलेशन तो कोरोना में चल ही रहा है, लॉजिकल आइसोलेशन मतलब कि आप एज अ यूनिट माने जाएंगे, नॉट कि इन्वॉल्व पर्सन माने जाएंगे। आप अगला पॉइंट पढ़ेंगे तो लिखा है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ईच ट्रांजेक्शन फील दैट इफ इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड अलोन इन द सिस्टम। जैसे अगर आप फोन पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपने पैसे लिया, पैसे किसी को भेजे, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मल्टीपल टाइम बहुत सारे लोग इंटायर इंडिया बहुत लोगों को पैसे भेज रहे होंगे, बट ऐसा होता है तो यूजर को ये फील आता है कि वो अलोन काम कर रहा है, अलोन इंटरेक्शन कर रहा है डेटाबेस से, बट सच्चाई है कि वो बहुत सारे यूजर्स के बीच में ही कहीं है। फिर क्या नेक्स्ट पॉइंट, अ ट्रांजेक्शन डज नॉट रियलाइज दैट देयर आर अदर ट्रांजेक्शन एज वेल एज गेटिंग एग्जीक्यूटेड पैरेलली। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फिर देखते हैं ड्यूरेबिलिटी क्या है। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट ऑल द चेंजेस मेड बाय अ ट्रांजेक्शन आफ्टर इट्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन आर रिटर्न सक्सेसफुली टू द डिस्क। इट इज इंश्योर दैट दीज चेंजेस एग्जिस्ट परमानेंटली एंड आर नेवर लॉस्ट इवन इफ देयर ऑकर्स अ फेलियर और एनी काइंड। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकवरी मैनेजर टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी इन द डेटाबेस। ओके, इसको समझते हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, आपने टिकट बुक किया दिल्ली से मुंबई का, आपका ट्रांजेक्शन हो गया कंप्लीट, आपको मिल गया कि भैया आपकी S7 में 10 नंबर सीट है इस एक्सप्रेस में, ये जो भी आपने डिटेल डाला उसमें आपको मिल गया कि S7 में 10 नंबर सीट है। सुबह आपका मैसेज आता है या ट्रेन शुरू होने से एक दिन पहले मैसेज आता है कि आपका जो डेटा है वो गायब हो गया। ऐसा नहीं होता, होगा क्या कि अगर आपके पास जो डेटा इन्फॉर्मेशन आ गई कि S7 में 10 नंबर सीट, तो आप भले जाएं या ना जाएं वो S7 में 10 नंबर सीट आपकी तब तक रहेगी जब तक आप उसकी ड्यूरेबिलिटी में चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आपने आपका कंडीशन आपके लिए एक वैल्यू मैप कर दी गई कि भाई इस आदमी का PNR नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है और इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है जो कि वो यूज करेगा S7 में 10 नंबर सीट, अगर आप नहीं जाते हैं इसका मतलब तो ये नहीं आपका PNR नंबर पे चेंज नहीं होगा जब तक आप खुद से उसको कैंसिल नहीं करेंगे या तो फिर कोई अथॉरिटी कैंसिल नहीं करेगा। वो डेटाबेस के प्रॉब्लम के चलते कैंसिल नहीं होगा या चेंज नहीं होगा। अगर आपकी टिकट दिल्ली से मुंबई की है तो आपने इवन गलत ही भर दिया तो आपको उसको चेंज ही कराना पड़ेगा। ड्यूरेबिलिटी का यही कॉन्सेप्ट होता है कि अपने आप कुछ चेंजेस ना हो, चेंजेस हो तब जब या तो कोई अथॉरिटी करे या तो कुछ और रीजन, ऐसा नहीं कि ड्यू टू डेटाबेस फेलियर आपका कुछ नुकसान हो गया। तो ये इंश्योर करने के लिए ड्यूरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रिकवरी मैनेजर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ड्यूरेबिलिटी बनी रहे डेटाबेस में, कोई भी चेंज अगर यूजर ने किया तो बनी रहे। जैसे कि आपने अपने मोबाइल में रिचार्ज किया 199 का, एक घंटे बाद पता चला वो रिचार्ज है ही नहीं, पहले था अभी नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो भी आ गया वो आपके लिए ड्यूरेबिलिटी रहेगी, उसका एक टाइमलाइन रहेगा, उतने देर तक रहेगा, देन आफ्टर ही वो एक्सपायर होगा। अब चलते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी में। तो कंसिस्टेंसी क्या है, दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट द इंटीग्रिटी कंसिस्टेंट आर मेंटेन्ड। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कंसिस्टेंसी का और ट्रांजेक्शन का, वो भी समझते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब क्या कि मैंने आपको कुछ दिया और आपने मेरे से कुछ लिया, ट्रांजेक्शन से बोलते हैं। जैसे हम लोग बैंक में ट्रांजेक्शन क्या, हम लोग पैसे देने जाते हैं तो अभी तक ट्रांजेक्शन होना कि हमारे बैंक में पैसे थे और मैंने उसको विड्रॉ कर लिए तो बोलते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, या इवन आपने बहुत सारे UPIs में देखा होगा कि ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। तो ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड मतलब क्या कि जो ए प्लस बी है वो आपका होगा, ए प्लस बी होगा इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब ये कि ए प्लस बी मतलब ट्रांजेक्शन होने से पहले आपके पास 1,000 रुपये थे और आपके दोस्त के पास 1,000 रुपये थे, तो आप दोनों का जो अकाउंट का सम हो रहा था वो कितना हो रहा था, 2,000 हो रहा था। आपने ट्रांजेक्शन किया, आपने अपने दोस्त को 500 रुपये भेजे। अब जो आपकी कंडीशन होगी वो ये होगी कि 1,500 रुपये आपके दोस्त के खाते में और 500 रुपये आपके खाते में, तो जो 1,500 और 500 का सम होगा वो पहले वाले के बराबर होना चाहिए। तो पहले का सम 2,000 था, अभी भी सम 2,000 है, मतलब डेटाबेस कंसिस्टेंट है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन के पहले भी दोनों अकाउंट का सम 2,000 था, ट्रांजेक्शन के बाद भी दोनों अकाउंट का सम 2,000 है। और अगर एसिड प्रॉपर्टी
जो भी ये चारों एटोमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, अगर ये चारों फॉलो हो गए प्रॉपर, सब यस है या ट्रू है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका डेटाबेस है वो कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार का नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू रूम में। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और बाकी अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को डीएम करिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिए। साथ में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं डेली बेसिस पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।